是个好的。एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, जिनको ज्वाइन करना होगा वो फिर से कर लेंगे। प्लीज ज्वाइन द क्लास स्टूडेंट्स। पीयूष ने भी ज्वाइन कर लिया। ओके, कल आप लोग की कौन सी टॉपिक का टेस्ट है? कल का टॉपिक ही नहीं पता क्या? क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, अच्छा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से डर, अच्छा डर है, क्या करूं मैं आपके डर का? पूरा ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही ली, उसमें डर किस बात का? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, पता नहीं कौन सा कब मिलेगा। गुड इवनिंग साधन, मैंने तो वाइवा में बच्चों से कॉमन क्वेश्चन पूछा, टैन टू ए का फॉर्मूला बताओ, नहीं बताए। साइन टू ए का फॉर्मूला बताओ, नहीं बताए। तो बताए क्या? मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से, आप ही लोगों में से बनियल मंजीत से भी पूछा है और सुजल से भी पूछा है। सुजल तो बैठ के वहां पे गूगल एलेक्सा से पूछ रहे थे, एलेक्सा बताओ क्या है, डायरेक्टली एलेक्सा से पूछ लेते। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वैसे सुजल ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर अच्छे भी किए थे। एक क्वेश्चन का मुझे ऐसा लगा कि वो एलेक्सा से पूछ रहा है, पूछे कि नहीं भगवान ही मालिक है, मुझे ऐसा लगा। अरे नहीं नहीं सुजल, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, चिल रही है, बुरा नहीं मानना है आपको, आपने अच्छा भी किया, अच्छा आंसर भी दिया। विशाल का तो वाइवा ही नहीं हो रहा है, विशाल का तो टाइम ही ना आ रहा है, पता नहीं कब आएगा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बस सोमवार को सुबह ना, हाँ सोमवार को सुबह नहीं होना चाहिए मैम। सोमवार की सुबह को टाइम दिया है आपका? नहीं मैम, बस उस दिन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक है। होगा, जिनका बचा हुआ है ना उन सबका भी होगा, धीरे धीरे आपका शेड्यूल होगा। चलिए सो स्टार्ट कर देते हैं आज का जो टॉपिक है। उससे पहले यस मैम, मैं आप लोगों को बता दूं, कहाँ गए आप लोग? कल सुबह 8 बजे आप लोग सब उठ जाते हैं ना, हम एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं, ठीक है? आज कैंसल हो गया है, ड्यूटी था इसलिए नहीं कर पाई मैं, तो कल सुबह 8 बजे मैं लिंक अभी भेज दूंगी रात को, एंड yes, सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। ऑफलाइन पेपर कब होगा? अभी तो नहीं हो रहा है, देखो नवंबर में होगा, दिवाली के बाद हो सकता है। अब ये तो मेरे को भी नहीं पता ना कहाँ होगा, आप लोग को आएगा इन्फॉर्मेशन, हमें भी पता नहीं है अभी सब, मतलब टीम अभी रेडी कर रही है, बैकग्राउंड में टेक्निकल टीम काम कर रही है। स्कूल में ही होगा मेरे को ऐसा लग रहा है, स्कूल के आसपास कहीं पे होगा। ऑप्शनल प्रश्न है या लिखने को आना? हाँ ऑप्शनल प्रश्न है। ऑप्शनल क्या कह रहे हो, आपकी बात समझ नहीं पा रही। ये बोल रहा है एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज होंगे, क्यों नहीं होंगे। और कुछ क्वेश्चंस में एमसीक्यूज नहीं भी होंगे। मतलब कुछ आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा, कुछ बिना ऑप्शन के साथ। ऑफलाइन में बेसिकली हमें यही चेक करना है कि आपको कितना आता है, ऑनलाइन में तो चलो समझ में आता है, थोड़ा एलेक्सा की मदद ले ली, ठीक है। एलेक्सा मैडम क्या पढ़ाएगी? ओके,
ठीक है, किसी ने मुझे मैसेज किया कि वो कल सुबह 8 बजे ज्वाइन नहीं कर सकते, इट्स ओके। जिन्होंने भी मैसेज किया है कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते हैं तो, बट सी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं संडे को ऐसे लेती नहीं, बट फिर भी कल मैं लूंगी क्योंकि आज वाला कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाया इसीलिए। ठीक है, चलिए। हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, यही तीनों हम पढ़ने वाले हैं। मीन से क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का मीन आपने पढ़ा है ऑलरेडी, दो चीज को ऐड करके उसका क्या निकालते हो, डिवाइडेड बाय टू, तो वो आपका मीन निकल जाता है। सो अरिथमेटिक मीन भी कुछ ऐसा ही है। आ गई मैं क्लास में वापस, आ रही है आवाज? यस मैम, यस मैम, मैं वहां पढ़ाए जा रही हूँ, कुछ मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। लुप्त मेरा वाईफाई अचानक से बंद हो गया, मैंने अभी इंटरनेट कनेक्ट किया, पता नहीं वाईफाई को क्या हो गया। गई, वी आउट हो गया।
अभी क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, तो सब कुछ स्टक दिखा रहा है। मेरी अभी भी रिकॉर्डिंग आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है ना मेरी? यस मैम, यस मैम। और यस आपकी मैम। जो वीडियो वो भी कट कट के आ रही है। एक मिनट, वाईफाई चल रहा है क्या? अभी मैं आपकी वीडियो फिर रुकी। हिले हिले मैम स्टैचू। ऑलरेडी सब स्टैचू ही है। अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। यस यस मैम। मुझे लगता है ना कि मुझे जॉब नहीं करने देगा ये पता नहीं कौन सा ग्रह मेरे पीछे पड़ चुका है। हमारा शेरा अचानक से वाईफाई बंद हो गया, किसी जी, को समझ ही नहीं आ रहा कि वाईफाई में हुआ क्या। एनीवेज मोबाइल इंटरनेट से शायद चल जाए। चलिए बैक मैम टू द क्लास क्लास। अभी भी कट रही है। अभी भी कट रही है। अभी नो मैम, मैं अब तो ठीक है, बीच बीच में कटती है, बीच में कट रही बीच है। बीच अब देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट, वाईफाई अगर वापस आता है तो। मैं फिर कट रही कट रही है। हाँ फिर कट रही है। मैम आप फिर से करो ज्वाइन। माइक हाँ जी, मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही थी इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था। देखा तो मेरा वाईफाई आ गया है कि नहीं आ गया। रीजन फिर रुक गई आपकी आवाज और वीडियो। रुक जाओ, वाईफाई वापस आ गया है। ट्रबल शूट मारो। मैम वाईफाई में लाल बत्ती बढ़ गई होगी, लाल लाइट। मैं इतने सारे वाईफाई सारे मेरे नहीं है बच्चों। जस्ट अ मिनट, मैं कहो मोबाइल नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करके देन कनेक्ट करती हूँ। लेफ्ट होकर ट्रबल शूट।
बिल्कुल सही कहा आपने, शनि देव का ही प्रकोप है। बिल्कुल यस मैम, यस मैम। शनि देव हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़ गए हैं, तो क्या करूंगा। बच्चों वीडियो चल रहा है कुछ? अब थोड़ा ठीक है भगवान, अब अगर ये ठीक नहीं रहा ना तो फिर मैं खराब हो जाऊंगी। आया आया, ये स्क्रीन दिखा अरिथमेटिक मीन? यस यस मैम। ये तो लगता है मैंने खुद ही पढ़ लिया, और मैं कब से बोल जा रही हूँ बच्चों, बोलो बोलो बोलो, कोई बोल ही ना रहा, मुझे पता ही नहीं था। हाँ मुझे नहीं पता था ना कि मैं अब खुद ही पढ़ रही हूँ, तो आप लोग कैसे बोलोगे। ठीक है देखो, अरिथमेटिक मीन का वही मतलब होता है कि जो मिडिल नंबर है, अगर हम मीन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे, ए प्लस बी अपॉन टू। हाँ तो ये एक नंबर लाइन पे मैंने जस्ट एग्जांपल लेकर समझाया था, बीच में टू लिखा है, थ्री और वन, तो मुझे इसका मीन निकालना है, तो मैं थ्री प्लस वन ऐड करके अपॉन टू कर दूंगी, तो वो जो आंसर आया वो मेरा टू आया था। छोटे से एग्जांपल था ये। नाउ लेट्स मूव अहेड। ज्योमेट्रिक मीन फॉर पॉजिटिव नंबर्स। अरिथमेटिक मीन तो सिंपल था, ज्योमेट्रिक मीन कैसे बोल सकते हैं, ए कॉमा कैपिटल जी कॉमा बी, सो दिस इज योर जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये मैं लिख सकती हूँ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको, सो जी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी हो जाएगा मेरा। अब हमें क्या पता है, क्लास चल रही है ना? यस मैम। हाँ नो मैम। ठीक है ठीक है, अब मुझे ना फोबिया हो गया, पता नहीं क्लास चल रही है नहीं चल रही है, बीच में एक बच्चा भी कुछ बोल दे समझ में आए। देखो रूट में कोई चीज होती है तो हम सबको पता है, हम लोग प्लस माइनस में उसको लेते ही हैं, बट यहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव इसीलिए बोला गया है। एक छोटा सा आप एग्जांपल देख लो, सेम नंबर लाइन पे अगर मैं टू यहाँ पे थ्री और यहाँ पे वन रिप्रेजेंट करती हूँ, और इसको मैं बोलती हूँ ए, इसको बोल देते हैं बी, बीच में बचा हुआ जी होगा, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जी इज इक्वल टू रूट ओवर वन इंटू फोर, तो फोर का रूट आ जाएगा टू, बट मैं इसको माइनस टू तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि पॉजिटिव के बीच में माइनस का कोई काम नहीं है। हाँ तो ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए होगा। अब यहाँ पे एक ही चीज नोट डाउन करने वाली बात है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो ज्यादा वन इंटू थ्री होगा क्या पॉजिटिव वन इंटू थ्री रूट के अंदर? ओके सॉरी सॉरी, थ्री इंटू वन, तो आप इसको थ्री नहीं ना, इसको फोर करो ना फिर। यस मैम। फोर होगा तभी तो टू आएगा, थ्री होगा तो टू तो आएगा नहीं आपका। यस मैम। फिर वो आपका वही रूट थ्री आ जाएगा, तो एनीवेज ठीक है। हाँ तो पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा सर, अगर मेंशन नहीं है तो जब सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव को जगह नहीं देना, बस इसीलिए इसका नाम है जीएम फॉर पॉजिटिव नंबर्स। नाउ जीएम फॉर नेगेटिव नंबर्स, अगेन सेम लोगे ए कॉमा जी कॉमा बी, दैट इज जीपी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सो जी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी, बट इसके सामने में माइनस लगा देती हूँ। अब मुझे ऑल नेगेटिव ही लेना है, एग्जाम्पल एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो माइनस नाइन माइनस वन, जी इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन इंटू माइनस वन, सो ये कितना होगा आपका नाइन होगा, जी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा रूट ओवर थ्री, सॉरी रूट ओवर नाइन, यानी कि आपका ये कितना आएगा थ्री आएगा और माइनस के संग आ जाएगा। तो बहुत घुमा फिरा के लिखा मैंने यहाँ पे, जरूरत नहीं थी उतनी, बस माइनस थ्री लिख देने से काफी है। अब माइनस वाले में सारे माइनस है तो नो इश्यूज, चलो आगे देखते हैं। हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? नो मैम। म्यूजिक वाला? हाँ, ए कैपिटल एच और बी, ये मेरे क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, और आपको क्या पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसे तो आएगा नहीं बिना एपी के, एपी आएगा तभी एचपी आएगा। अब एपी भी लेकर आओ आप, वन अपॉन ए,
वन अपॉन एच वन अपॉन बी, दिस इज योर एपी. एपी है तो एचपी ले आओ, एचपी है तो एपी ले आओ, पर दोनों साथ रहते हैं हमेशा. सो टू इंटू वन अपॉन एच इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, विच इज इक्वल टू टू अपॉन, कितना हो जाएगा ये एच को मैं यही रखूंगी, और टू अपॉन पूरा का पूरा रेसिप्रोकेट अगर आप कर दो तो ये होगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, यस, विच इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी. ठीक है, एच इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर any two numbers, suppose a and b, ये दो नंबर ले लेते हैं, if a comma g and h are am comma gm comma hm, सबका मीन है ये, then g square is equal to a h, ये आपका क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है. जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच हो जाएगा. इसको एज अ फॉर्मूला भी आप याद रखना, जहां पे जी तो आपको पता ही रूट ओवर ए बी है, और ए क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू है, और एच क्या है, टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी है. ये तीन चीजों को बस आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. चलो तो अभी कुछ कुछ हमने फॉर्मूलाज देखे, अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं. सो नंबर वन, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अगेन यहाँ पे रूट्स की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है. तो रूट्स अगर आया है तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. अल्फा प्लस बीटा कितना होगा मेरा, फोर प्लस रूट ओवर फाइव अपॉन फाइव प्लस रूट ओवर टू. ठीक है, बी बाई ए माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अल्फा इंटू बीटा में आपका होगा एट प्लस टू रूट ओवर फाइव अपॉन में फाइव प्लस रूट ओवर टू. ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें निकालना क्या है, हार्मोनिक मीन निकालना है. सो चलो डायरेक्टली हम एच एम पे चलते हैं. HM is equal to 2 alpha beta upon में alpha plus beta. ये formula में लगाऊंगी यहाँ पे, which is equal to 2 into 8 plus 2 root 5 upon में 5 plus root 2 upon में alpha plus beta, यानी कि 4 plus root over 5 upon में आपका 5 plus root 2. So 5 plus root 2, 5 plus root 2 anyways cancel हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 into 8 plus 2 root 5 upon me 4 plus root over 5. आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, आंसर 2 2 is a 4, 2 4 is a 8. ठीक है, 4 plus 2 root 5 upon 1 प्लस रूट ओवर 5. क्या ये मैंने सही सॉल्व किया है? नहीं, सही नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा. नहीं कटेगा, प्लस में नहीं कटते, प्लस में नहीं कटते. ओके चलो बहुत बढ़िया, अगर प्लस में नहीं कटते तो कैसे कटते वो बताओ ना. मैंने तो डिवाइड में, तो ठीक है, 2 इनटू 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5. कॉमन ले लो ऊपर वाले में. ओके, 2 कॉमन ले लो, जैसे ही आपकी आ गया 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचेगा क्या, 2 2 जा 4 हो जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 4 प्लस रूट 5 बचेगा, वो हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा आंसर आएगा 4 आपका. यस मैम. ठीक है चलो, मैं ही जेई मेंस में बैठ जाऊंगी इस बार. यस मैम, मेरा पेपर दे देना. हाँ, वही बेटर रहेगा, आप लोगों को तो सब आते ही है, अच्छा है वैसे.
क्वेश्चन नंबर टू इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है कि हमारी बात अच्छी है? इसका आंसर भी फोर ही है। क्या इसका आंसर भी फोर ही है? इसका भी फोर ही है, देखते हैं। लाना इम्पोर्टेंट सभी के आंसर से। हाँ सभी के आंसर सेम है। आपने क्वेश्चन देख लिया है क्या? इसका तो 20 है। तो 4 into 5 20। और कितने पे बैठता है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब तो हमें पता है आंसर क्या आने वाला। यस मैम। लेट द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स विद अ रेशियो 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab/a+b। अब से नेक्स्ट क्लास में जब मैं स्लाइड प्रिपेयर करूंगी आंसर में टिक ही नहीं करूंगी। क्या अब आंसर में लिख देंगे सॉल्यूशन? हाँ ये तो सॉल्यूशन है, ये आंसर है। देखो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों ही यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हैं। अब उनकी क्या की जाए, खोजबीन की जाए। h upon g 2√ab/a+b which is equal to a plus b। क्या है मेरा? इन्होंने कहा है ना 4/5 है, इन्होंने खुद हमें लिख के दिया है तो हम भी वही लिख देंगे, 4/5 लिख देंगे। सो देखो 2 2 जा तो एनीवेज 4 तो होता ही है, ठीक है 2/5। देन 5√ab इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, 2a+2b। सो यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि यहाँ से इक्वेशन दिख जाएगा अपने को। 5 इज इक्वल टू 2a/√ab+2b/√ab, ठीक है रूट ए बी को नीचे ले आए। 5√ a/b+2√ba। सही किया मैंने कैलकुलेशन? सही है ना? नहीं मैंने किया तो सही। अरे a का मतलब क्या है, रूट ए इंटू रूट ए, तो एक गया तो एक तो बचा ना, इधर भी रूट बी इंटू रूट बी, एक गया तो एक तो बच ही गया। चलो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, बट ये हुआ क्या, ये हो गया t और ये हो गया 1/t, इसका रेसिप्रोकल और ये t हो गया। सो अब हम लोग सपोज करेंगे, सपोज क्या t एंड 1/t अकॉर्डिंगली आप पुट करोगे अभी यहाँ पर। सो 5 इज इक्वल टू 2t+2/t। 5t is equal to, now algebra है complete, 2t² + 2, so 2t² - 5t + 2 = 0, 2t² - 4t - t+2 = 0, okay, so 2t - 1 and t - 2 = 0, t is equal to 1/2, 2, ये मुझे t के values मिल गए। Now root over a b था मेरे पास which is equal to 1/2, so a b कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 2 into 2, 4 हो जाएगा यहाँ पर। Again root over a/b मेरे पास कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, so a/b कितना हो जाएगा आपके पास, 4। a/b इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हमें आंसर मिला, बट हमें फाइनल आंसर चाहिए था a/b, यानी कि जो रेशियो था आपका टू पॉजिटिव नंबर का, इसीलिए इन्होंने आंसर में 2 नहीं बल्कि 4 को टिक किया है। ठीक है क्लियर है ये 4 कैसे आया हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़े बोरिंग लग रहा है ना, मतलब उतने इंटरेस्टिंग नहीं। हाँ यस मैम, मत करो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहाँ से लाऊ मैं, ये सारे क्वेश्चन आपको पता है ऐसे वैसे क्वेश्चन ही है, सारे के सारे सैंपल पेपर है क्वेश्चन, हो सकता है इस साल कोई क्वेश्चन आ भी जाए।
इस क्वेश्चन का आंसर 20 है। फॉर द टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर है ए बी जिसमें से ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, द ए एम एक्सीड्स देयर जी एम बाई 5 एंड द जी एम एक्सीड्स देयर एच एम बाई 4। ये तो मतलब ना रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, 10th क्लास में पढ़ते थे ना हम लोग। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए माइनस 2b। चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस जी इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 5, g माइनस h इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब a प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ओवर ए बी इज इक्वल टू 5, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग एक लिखना पड़ेगा, रूट ओवर ए बी माइनस 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2 5 प्लस रूट ओवर ए बी, ओके यस ठीक है, 5 प्लस रूट ओवर ए बी यहाँ पे मिल गया। अब आप लोग बता सकते हो क्या करेंगे, जब आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई है तो अब आप डायरेक्टली पुट करके फाइंड आउट करना शुरू करो। तो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा चलते हैं। रूट ओवर ए बी माइनस 2 ए बी अपॉन में मैं अब लिखूंगी 2 इंटू 5 प्लस रूट ओवर ए बी विच इज इक्वल टू आपका 4। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। क्या बचेगा, देखो रूट ओवर ए बी माइनस ए बी अपॉन 5 प्लस रूट ओवर ए बी, ये तो बचेगा विच इज इक्वल टू 4। अब हम लोग लेट रूट ओवर ए बी इज इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं, उससे क्या होगा, क्या होगा उससे, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। यस मैम। टी माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस टी, दिस इम्प्लाइज, अब इसको बस ओपन कर दो, 5t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 5 प्लस टी विच इज इक्वल टू 4, ओके यहाँ पे टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 प्लस 4t। दिस इम्प्लाइज टी की वैल्यू यहाँ पे मुझे साफ साफ क्या दिख रही है, 20, ठीक है टी की वैल्यू तो मुझे मिल गई है, कुछ और भी करना है हमें यहाँ पर। रूट ओवर ए बी अभी कितना है, ये आपका हो जाएगा 20, सो ए बी इज इक्वल टू आपका होगा 400, ठीक है ए बी तो 400 होगा, वैल्यू तो हमें टी की 20 मिली गई है, तो आंसर में आपने 20 देख लिया तो आपके तो दिमाग में छप भी चुका है कि भाई 20 ही है। नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस रूट ओवर ए बी विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 20। ए प्लस बी कितना होगा मेरा, 5 2 10 22 40, मतलब 50 हो गया है। तो मतलब कि अगर a प्लस बी निकालना है सो a इज इक्वल टू 40 एंड b इज इक्वल टू 10, ऐसे हो जाएगा ये। आते हैं अपने प्रीवियस पे, हमने क्यों इतनी मशक्कत की आपको समझ में आया, a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है तो a को तो ग्रेटर दिखाना भी था ना, 20 तो वैसे आपका आंसर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b मॉड से बाहर निकालोगे तो। Yes. हमने अभी तीन क्वेश्चंस किए, तीनों का कराने का मकसद ये था, थोड़ा अलग अलग था कि अब आप देख लो कि वैल्यूज कैसे पुट अप करते हैं, फॉर्मूला याद है वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, बस यही है यहाँ पे, मैथ्स में होता भी यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज ना बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, क्वाड्रेटिक के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा आते हैं और बहुत स्कोरिंग है ये, सो इसको हाथ समझ जाने। If the roots of the equation a b minus c x square plus b c minus a x plus c a minus b equal to 0, where a b c are unequal real numbers, are real and equal, and alpha comma beta be the roots of equation a x square plus b x plus c equal to 0.
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा है। इस बात पे क्वेश्चन कितना बड़ा था, देखो आंसर कितना बड़ा होगा इसका। अब बोलो आंसर, अब यहाँ पे तो आंसर कुछ दिख ही नहीं किया हुआ। सी कौन सा सी, कोई सी भी नहीं। हाँ अब सब करके बोलो, कोई सी बोलो, कोई डी बोलो, कोई ए भी बोलो, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बच्चों आंसर को मारो गोली, सॉल्यूशन पे आओ। सॉल्यूशन बोले तो स्टेप्स, स्टेप्स का क्या करते हैं? नंबर बी प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक पूरा का पूरा रूट दिया है। तो x को मैं काम करती हूँ, वन पुट करती हूँ, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है और अनइक्वल रियल नंबर्स है। मैं x को वन पुट अगर करूंगी तो मुझे मिलेगा क्या, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन मैं बोलूंगी बोथ रूट्स आर वन, दोनों के रूट क्या है, अभी वन ही तो हो गए, खत्म कहानी, एक्स ही खत्म, वन हो गए दोनों के रूट। आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट पे आते हैं जरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो ये मेरा होगा सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी विच इज इक्वल टू वन। फर्दर अगर मैं सॉल्व करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, कुछ पट रहा है क्या? ए सी ए सी कट रहा है आपका, कैसे कट रहा है वैसे? एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। हाँ लेकिन उसको काट दोगे तो निकालोगे, नहीं निकाल सकते हो फिर ना, उसको काट दोगे तो उसको बेटर इधर लेकर आके पॉजिटिव कर, अगर इधर लेके आके पॉजिटिव करोगे तो टू ए सी हो जाएगा हमारे पास। टू ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, टू अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ए बी था तो सी मिल गया, बी सी था तो ए मिल गया, ए सी था तो बी मिल गया, है ना, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये एक ट्रिक भी है वैसे, और वैसे आपको आंसर भी ये मिल गया। एच एम अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, दो रूट्स लेने हैं आपको एच एम में, हार्मोनिक मीन, टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टू इंटू सी अपॉन ए, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। फॉर्मूला तो पुट करूंगी मैं, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है कि वो है क्या। सो ये मेरा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस सी टू अपॉन बी, और ए तो आपका एनीवेज कैंसिल ही हो गया, ठीक है। चलो नाउ अब क्या बचा है हमारे पास बच्चों, माइनस सी वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए, टू अपॉन बी इक्वल्स टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए विच इज इक्वल टू वन अपॉन c माइनस ए। दिस इम्प्लाइज कि माइनस वन माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये कितना होगा आपका, माइनस वन माइनस अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन ए तो अल्फा इंटू बीटा ही होता है। हाँ yes, तो ऐसा कोई आंसर तो मुझे लग रहा है कि था, माइनस वन माइनस अल्फा बीटा, हाँ ये वाला। इसका करेक्ट आंसर मुझे भी मिला नहीं था एंड तक, इसलिए टिक नहीं हो पाया था। जहां पे क्वेश्चन दिया था ना वहां आंसर दिया था, लेकिन मतलब इन्होंने ऑप्शन दे के छोड़ दिया, आंसर एंड में दिया ही नहीं, और बोला कि यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर, ठीक है। तो हमने जब क्वेश्चन निकाला तो उसको मैंने फिर आंसर निकाला वहां पे जाकर, यहाँ पे टिक नहीं किया। ये इतने सारे स्लाइड्स खाली कैसे हैं बच्चों? ओके नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे आपको कुछ पढ़ाने के लिए स्लाइड्स रखे हैं। चलो ठीक है, कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ पे। सो फॉर एन नंबर्स
मैं मोस्टली स्लाइड्स खाली रखती हूँ जरूरत पड़ने के लिए. A1, A2, डैश A3, ठीक है, डैश डैश A4, A5 बहुत सारे आ जाएंगे टिल AN. फॉर N नंबर्स A1 टिल AN आपका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? कितना होगा कोई भी मुझे बता सकता है क्या? A1 plus A2 अपॉन टू. दिस इज गुड. बट n मतलब यहाँ पे ये तो वही बात हो गई जो पहले वाले स्लाइड में मैंने पढ़ाया था कि अरिथमेटिक मीन होता है. सो फॉर n नंबर्स का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे n को भी तो इंट्रोड्यूस करना है. A2 plus on plus an upon n. अच्छा हाँ, plus an upon n. ओके ठीक है, वेरी गुड, आपने सही बोला. सो n इज इक्वल टू 2, ठीक है. अगर मैं n इज इक्वल टू 2 बोलू, दिस इम्प्लाइज A1, A2, A इज इक्वल टू अगेन आपका कितना होगा? A1 plus A2 upon n. मतलब हर जगह पे देखो घूम फिर के क्या आ रहा है हमारा मीन का मतलब है दो टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना, पूरे का मतलब यही समझ रहे हैं हम, ठीक है? यस मैम. नाउ अब फाइनल है A1, A2, A3 till AN. अब इसका फाइनल फॉर्मूला बनाओगे A is equal to A1 plus A2 plus A3 plus dash dash plus AN upon में आपका क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, ठीक है. ये आपका फाइनल फॉर्मूला है और इसमें आपको कोई हैरानी भी नहीं हो रही होगी, है ना? ये फॉर्मूला मैं नहीं भी बताती तो आप खुद भी बना लेते कि नहीं? yes, बनाते Yes, ma'am. मुझे पता है मैं ना भी पढ़ाऊं तो भी आप लोग टॉप ही करते आओगे. No, ma'am. लेते आप लोग. For n numbers, अब am का बताया है तो gm और hm लड़ेंगे आपस में, बोलेंगे हमारा क्यों नहीं बताया, तो अब उनका भी बताओ. चलो A1, A2 dash an इनका डायरेक्ट डायरेक्ट बताते हैं. So G is equal to A1, A2, A3 और कहा गया इसको क्या हो गया, हाँ A3. अब कुछ भी ना मिला इसको परेशान करने को, रुक गया. वही मैं कह रही हूँ ना, कौन सा ग्रह चल रहा है अब इसको? नेटवर्क अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो अब इसको परेशानी हो रही है कि अब मैं क्या करवा दूं, तो मेरा पेन ही खराब करवा दे रहा है. कौन सा ग्रह चल रहा है बच्चों? शनि. सही बोला आपने, शनि चल रहा है मेरी राशि में. मैं बहुत मानती हूँ इन सब चीजों बट वही मान के बैठ जाऊं तो जिंदगी रुक जाएगी. कर्म करना पड़ता है, कर्म प्रधान होता है आपका. जैसे रिजल्ट आएगा कि नहीं पता, मगर हार्डवर्क तो करना आपका काम है, वही नहीं. क्यों आप लोग कभी शनिवार हुआ है क्या? कभी होना है. होना है, क्यों होना है भाई? सबका नहीं होता है, मेरा तो चल रहा है, मुझे तो ये पता चल चुका है. A1, A2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ से अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं ज्योमेट्रिक मीन, सो A1, A2 द होल 1/2. ये थोड़ा अलग सा है, अजीब सा है. अभी हम लोग स्क्वायर लेके कर रहे थे, अभी अचानक से n नंबर्स में आया तो ये आधा हो गया. मतलब स्क्वायर तो गोली मारो, वन को भी गोली मारो, ये पूरा का पूरा आधा में आ चुका है ये फॉर्मूला आपका. नेक्स्ट में चलिए, दोनों हो गए, अब किसकी पारी है? हार्मोनिक मीन की. सो फॉर n नंबर्स A1, A2, A n आपका हार्मोनिक मीन क्या होगा? क्या होगा आपको क्या लगता है? 2A1, A2 upon A1 plus A2. हम लोग ए और बी लेके करते तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या हो गया? A1 और A2 से हो गया है. इस पूरे को हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन, मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन A1
प्लस वन अपॉन एट। ओके तो एच इज इक्वल टू एन अपॉन, ये आपका हो गया वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस डैश डैश वन अपॉन एन ए एन। ये भी फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, आवाज कट गई, फिर से बोलो। यस मैम। यस यस मैम बोलने के लिए आपने इतनी तकलीफ उठाई, मुझे लगा क्या कह रहे हो, आवाज ही कट गई। ये पता है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है आपका 2014 का एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का आया हुआ है। So, ये क्वेश्चन नंबर आई गेस 5 होगा। 5 क्या 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 रहा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा बारीकी से। लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी अपॉन ए इज एन इंटीजर इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस टू। ए बी सी पहले तो जीपी है आपके, बट उसका अरिथमेटिक मीन क्या है, बी प्लस टू है। Then find the value of a square plus a minus 14 upon a plus. थोड़ा सा ट्रिकी है, हमें क्या करने पड़ेगा, इसको पार्ट वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को ऑप्शन दिया ही नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से हटा दिया, ऑप्शन था ही नहीं बच्चों, तो इसको सॉल्व करना पड़ा। So a plus b plus c upon 3 is equal to b plus 2. ठीक है, तीन है तो मैंने क्या लिया, अपॉन थ्री ले लिया, इक्वल्स टू में बी प्लस टू मेरा अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री बी प्लस कितना हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। चलो यहां तक तो मैं बहुत अच्छे से बना पा रही हूँ। एनर्जी, हाँ एनर्जी, एलर्जी, एनर्जी, क्या कह रहे हो, एलर्जी किस चीज से? मैम ये एनर्जी की बात कर रहा था। ओके ओके ओके, यहाँ पे पहले फोकस करते हैं। ए इज इक्वल टू नाउ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री बी प्लस सिक्स, सो ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमें ये मिल तो गया, पर हमें फोकस क्या करना है कि हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1। जाहिर सी बात है, ये आया कहां से इन लोगों ने जो इतनी बड़ी वैल्यू हमें दे दी है। चलो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, अब हिंट से इसको सॉल्व करेंगे। जो इन्होंने हमें बोला था, एक एग्जैक्ट इक्वेशन बना करके हमने वहां से एक अपना इक्वेशन निकाल लिया है। अब हिंट पे काम करो, यानी कि पहले जीपी पे आते हैं। सो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये आपके क्या है, जीपी है। अगर ये जीपी है, जीपी का सीक्वेंस याद है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए आर, ये हो जाएगा ए आर का, ये तीनों मेरे जीपी के सीक्वेंस थे। सो इस सीक्वेंस से क्या मुझे कोई हेल्प मिल सकती है, यस, a माइनस टू इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, ये मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, ये है मेरा इक्वेशन नंबर वन। a इंटू वन माइनस, ये कितना हो जाएगा, टू आर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। सो a इंटू, ये होगा मेरा वन माइनस, नो ये r माइनस वन होगा ना, वन माइनस आर नहीं, a इंटू आपका हो जाएगा r माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। सो r इज इक्वल टू टू अगर है, टू इज इक्वल टू मेरा कितना होगा, इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। देन r इज इक्वल टू थ्री है, तो कितना होगा मेरा, a इज इक्वल टू, अब एक एक को वैल्यू पुट करके हमको देखना पड़ेगा, अगर r थ्री है तो a कितना होगा भाई, नाइन, a इज इक्वल टू कितना होगा, नाइन होगा। ओके पक्का ना मैम,
कितना होगा लिख देना आप, तो कितना होगा r इज इक्वल टू a मेरा यहाँ पे कितना होगा 3/2 होगा, यहाँ पे कितना होगा a मेरा 2/3 हो जाएगा। तो देखो a square plus a minus 14/(a+1) इसको फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को सीधे पुट कर देंगे, पुट करके निकालते हैं कि आंसर आएगा कितना। मगर उसके लिए भी अब a की तो आपने तीन अलग अलग वैल्यूज पुट ले लिए हैं तो कौन से वैल्यू को आप लोगे और कौन से को छोड़ोगे। जाहिर सी बात है कि r इज इक्वल टू 2 वाले को लोगे और इसको 3 को भी नहीं लोगे, 4 को भी नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 की ही बात हो रही है। तो 2 को लोगे आप, सपोज करोगे, कहाँ चला गया अंडू अभी जो कंट्रोल प्लस जेड हम जादू हो गया, कंट्रोल प्लस जेड यहाँ पे काम नहीं करता है। भगवान क्या हो रहा है आज मेरे क्लास में, दूसरी होगी कहाँ है यहाँ बच्चों जो हम पढ़ रहे थे, मुझे रोना आ रहा है अभी। शनि ग्रह भारी पड़े, चुप रहो, शनि ग्रह भारी पड़ गया। ए प्लस बी प्लस सी, सोच रही हूँ कुछ तो अच्छा हो रहा है। मैम हमने मैजिक किया था, हैक कर लिया मैम हमने आपका। आप लोग को तो मजा आ रहा है ना, पता नहीं किस बात का, मेरा तो यहाँ पे क्लास पीछे होता जा रहा है मुझे वो। नो मैम, ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 6। अब ये भी मेरा साथ नहीं दे रहा, बताओ देन क्या था, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमने जीपी में लिया था, इसको माने थे ए, इसको माने थे ए आर, और इसको क्या माने थे ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर वैल्यू पुटअप आपने किया था। ए माइनस टू इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, पूरा गायब कहाँ से हो गया, मैंने तो अंडू रीडू कुछ किया ही नहीं था। मैं अपने रिफ्रेश मारती हूँ गलती से। Yes, ma'am. 1 minus 2 r plus r square. Recording देखने से पता चलेगा कि क्या हुआ exactly. आप कह रहे हो तो नहीं आया होगा। A into r minus 1 square is equal to 6. ये मिला आपको। तो जब आपने r is equal to 2 रखा, a आपको कितना मिला यहाँ पे 6 मिला था। r is equal to 3 रखा था तो a मिला था 3/2. R is equal to 4 रखा था तो ये मिला था आपको कितना, ये मिला था 2/3। तो ये दोनों को रिजेक्ट करके हमने इसको लिया था। अब आराम से आगे बढ़ना है नेक्स्ट। सो नाउ a square plus a minus 14 upon में क्या है ये आपका a plus 1, ओके, सो कितना होगा a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन में 6 प्लस 1 36 प्लस 6 कितना होगा 42 माइनस 42 14 माइनस करोगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा 8 और 2 तो कितना आंसर आ गया 4 आज 4 ही आंसर आ रहा है ना सब में। Yes, ma'am. 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 मेरे को कल थोड़ा फ्रेश और शांति से अच्छा सा क्लास लेना है। मैं सोच रही हूँ 1 घंटे से ज्यादा का, 1.5 से 2 घंटे तक का कवर कर लूंगी। हाँ 4 घंटे का नहीं करोगे, 3 घंटा पूरा दिन 2400 घंटे नहीं। चलो बच्चों क्लास में अभी टाइम है, हम नया कुछ पढ़ सकते हैं थोड़ा। नो मैम, 3 मिनट 4 क्या बात के लिए नो बोल रहे हो, अभी 8:11 हो रहा है, 4 मिनट और है हमारे पास। हमारे पास 12 हो गए, नहीं पढ़ना है आप लोगों को, हम कल सुबह बोर हो गए हो क्या टॉपिक से।
एक छोटा सा नया टॉपिक मुझे स्टार्ट करना था। ठीक है चलो कल ही करते हैं। 3 मिनट। हाँ 3 मिनट में क्या ही कर लेंगे ना। ठीक कोई बात नहीं, कल 2 मिनट। कल प्लीज हाँ कोई भी एब्सेंट मत होना, क्योंकि कल बहुत सारा पोर्शन में सोच रही हूँ कवर करवा दूँ। ये हमारे सीक्वेंस जब ले रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास तो ऐसे लेंगे कि मतलब वो लगना चाहिए कि हाँ एक्स्ट्रा कुछ किया है वैसा। मैं एक्स्ट्रा में तो बोर ही होते हैं। बोर नहीं होना है, बोर होते हैं आप, बोर ही होते रहो। पढ़ाई ऐसे ही होता है, 11th 12th क्लास बोरिंग ही होता है आपका, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। वही बोरियत आपको ना जिंदगी भर काम आएगी, बना देगी जिंदगी आपकी।